आगामी 25 जुलाई को बल्केश्वर में आयोजित होने वाले सावन के मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बल्केश्वर में आने वाले कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इसे देखते हुए महापौर नवीन जैन ने शाम को अपर नगर आयुक्त एस के यादव और नगर निगम के अन्य अधिकारियों के साथ मेला मार्ग का निरीक्षण किया। महापौर नवीन जैन ने चांदनी चौक चौराहे से अपना दौरा शुरू करते हुए बल्केश्वर पार्क कर और शनि देव मंदिर तिराहे से वाटरवर्क्स की ओर जाने वाले रोड पर दौरे को अंजाम दिया। दौरे के दौरान सड़क लाइट और जलभराव की समस्याओं को विशेष रूप से देखा गया। निरीक्षण के दौरान महापौर नवीन जैन ने देखा कि जगह जगह सड़कों पर गड्ढे थे, आधी लाइटें सही नहीं थी तो आधी लाइटें खराब पड़ी हुई है, कई जगह सफाई की जरूरत थी। महापौर नवीन जैन ने मौके पर ही मौजूद संबंधित अधिकारियों मेला वर्ग में हो रहे गड्ढों में पैच वर्क कराने, सफाई कराने और सभी लाइटों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तिराहे पर बने समुद्र मंथन कीर्ति की दुहाई कर सफाई करने को निर्देशित किया गया। महापौर नवीन जैन ने अपर नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में जगह जगह मोबाइल टॉयलेट रखे जाए, पार्वती घाट एवं लक्ष्मी घाट पर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग की जाए, पानी की व्यवस्था के लिए पानी के टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की जाए, साथ ही बल्केश्वर मंदिर के आसपास एवं घाटों पर उच्च कोटि की सफाई करवा कर उनको चूने का छिड़काव किया जाए। डीजी मराठा न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।